realidad y para vivir en la vida. अरे भाई गाने कैसे रुक गए? बाय द वे हेलो गाइस, ये टीयर वन के मैचेस हैं यहाँ पे ईस्पोर्ट्स टर्फ के द्वारा। जैसे कि आप देख ही सकते हैं MYN की टीम है, AM की टीम भी है, Nexstem की टीम भी दिख रही है, गॉड्स रेन भी है, Exum की टीम भी है, साई की टीम है, PSY की है, LVS की टीम भी है, INF की टीम है, TTN है, आर्टिकल 7 की भी दो बंदे दिख रहे हैं हमें, मासिक दिख रहे हैं और एटलस भी दिख रहे हैं, और MYN की भी एक और टीम है, Aztec की टीम दिख रही है हमें, जिसके आप देख सकते हैं स्पाइडी किल्सम, और TTN के एक और टीम है शायद से, जायरो गॉड की भी एक टीम है, और भी आप टीम देख सकते हैं यार, 7S की भी टीम है, 7C की वीरू है, विशेष है वो खेल रहे हैं, तो ठीक है कोई नहीं। अरे गाने चला दे यार, मैं तो बस मैं इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा था कि मतलब बता दे कौन कौन है क्या क्या है, तो अब गाने चला देते हैं, सुनिए मजे से सुनिए, अभी जब मैच स्टार्ट होगा तो गाने बंद कर देंगे। अभी स्क्रीनशॉट कहाँ से होगा, मैं आवाज़ कम कर रहा था, यार चलो छोड़ो। तो गाइस अभी मैच स्टार्ट ही होने वाला है 3-4 मिनट में, तो रुक जाइए अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, एक और बंदे हैं, बस यही बोलना था। और अरे लिंक देना था ब्रो, सॉरी रियली माय बैड। अरे नहीं, ये क्या हो गया, गाने वाने क्यों बंद हो गए? पहले तो भाई अरे यार सॉरी, मतलब मैं स्ट्रीम का लिंक पहले शेयर नहीं कर पाया। अरे भैया बंद कर दो। मैच शुरू हो चुका है गाइस, मतलब पहला टीयर वन का मैच है, थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, मतलब टीयर टू हम कर चुके हैं, टीयर 2 टीयर 3, लेकिन पहला टीयर वन का है तो थोड़ी सी नर्वसनेस गाइस होती है, शुरुआत शुरुआत में आपको, तो मतलब
पता होना चाहिए, पता कैसे होगा यार, कास्टर तो हम ही है, 85 बंदे ज्वाइन कर लिए हैं। अरे 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 भैया भैया भैया, नेट की दुर्गति। ओके नेट यार 20 Mbps के नेट पे है उतना। हाँ सही हो गया, पिंग चार्जर डिसकनेक्ट कर दे, दिक्कत कर देता है कभी कभी। तो टीम वन मालिक साहब है जिन्होंने रूम क्रिएट किया था आई गेस। सो टीम टू पे MYM की टीम है, टीम थ्री पे लेक्सटम्प की टीम दिख रही है, टीम फोर पे टीम जेनोसाइड है, फिफ्थ पोजीशन पे गॉड्स रेन है, सिक्स्थ अरे भाई रुके ग्राउंड पे, हाँ सिक्स पोजीशन पे एग्जम का टीम है, और सेवन पोजीशन पे एलवेस का, और बाकी आप देख ही सकते हैं। कार्नेज का मतलब कार्नेज का प्लेन पे नाम आया है, 100 RP है, बहुत हार्ड। तो प्लेन लाको ब्रेडिया से शुरू होते हुए इम्पाला तक जाके एंड हो रहा है, तो हमें स्क्वाड्स क्रेटर फील्ड्स एल्पोजो लाको ब्रेडिया वाटर ट्रीटमेंट सैन मार्टिन हासियंडा डेल पेट्रॉन मॉन्टेन्यूवे भी जा सकती हैं, टोरे हुमडा क्रूज डेलवेल टियरे ब्रोंका एलाजार पावर ग्रिड इम्पाला लॉस्ट लियोन जैसी जगह जाती हुई मिलेंगी। हो सकता है कुछ स्क्वाड्स गाड़ी वाड़ी लेके मतलब चुम्मा सेरा की तरफ रोटेशन दें, या फिर कैंपो मिल्टर नहीं जाया जाएगा यार, मतलब बहुत दूर पड़ जाता है। तो प्योरटो प्राइस भी जाया जा सकता है, नॉट अ बैड डील। तो 7S की टीम शायद ला कोबरेरिया पे उतरी है, जी हाँ बहुत सारी टीम्स लैंडिंग कर रही है, टीम 16 एल्पोजो की तरफ जाती हुई दिख रही है, टीम 17 मॉन्टेन्यू और उनके साथ एक और सी टीम है शायद टीम 8 है, जी हाँ TTN की टीम के साथ साई की टीम नहीं TTN की टीम मॉन्टेन्यू की तरफ रोटेशन करती हुई मेरे को दिखी थी यार। ओके तो दोनों टीम्स मैं कुछ कह नहीं सकता फिलहाल के लिए। सैन मार्टिन पेज टीम 22 जाती हुई नहीं यार, सैन मार्टिन तो अभी के लिए क्लियर है पूरा, और पिकार्डो में शायद से रश होगा, दो तीन टीम्स जाती हुई दिख रही है मुझे। MYM की टीम ला बेंदेता पे उतरी है, मिनाज जनरलेस पे तीन चार टीम्स दिख रही हैं मेरे को अभी। इम्पाला में भी IM की टीम और एस्टिक की टीम जाती हुई दिख रही है, और मालिक साहब गिर के शायद से मर जाएंगे आई थिंक सो, मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ मतलब मर ही जाते हैं यार वैसे ओनर्स। वहीं एम रॉकी ने H2N के जेरोक्स BTC को डाउन करके पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया उन्हें, तो हम एक बार उन्हीं की फाइट पर चल देते हैं। वहीं एम के रॉकी को डाउन किया जा चुका है रिवेंज BYR के द्वारा, IP मैन स्प्रे करने की कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, M416 है इनके पास, M416 है, रिवाइव करेंगे भी वेनम PSI के वेनम को, गॉड्स लोडिंग के द्वारा डाउन करा जा चुका है, गॉड्स के लोडिंग भी डाउन हो चुके हैं यहाँ पे यार, हर जगह फाइट्स हो रही हैं। अनरियल ने उन्हें पूरा एलिमिनेट कर दिया है गॉड्स के लोडिंग को, तो नालायक BYR को ज़ियोस ने डाउन कर दिया है। तो एक बार चलते हैं भैया एम की टीम पे, एम की टीम यहाँ थी टीम नंबर 4, भाई फियर्स BYR को भी डाउन कर चुके हैं IP मैन, तो IP मैन किया ही स्प्रे कनेक्ट करने की कर रहे हैं, मतलब एलविस के मैट को डाउन किया जा चुका है, TX के शुभ भी डाउन हो चुके हैं, और यहाँ पे लगता है टीम BYR की टीम एलिमिनेट हो चुकी है, जी हाँ वहीं TX के शुभ को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा चुका है। रेट्रीब्यूशन एक्स के इग्नाइट ओपी ने एलविस के स्नाइपू को पूरी तरीके से डाउन करके एलिमिनेट कर दिया है, तो TSM को नेट से मारा जा चुका है भाई, पता नहीं क्यों मारे हैं, तो छोड़िए। पिकार्डो में दो टीम्स नहीं तीन टीम्स की फाइट है यहाँ पे, पहली बार मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ यार, मतलब पहली बार है। वहीं एलविस के अभी को डाउन कर दिया जा चुका है, अनरियल भी हो चुका है डाउन, एलविस के अभी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे 2v3 का सिचुएशन है। अगर फिनिक्स मतलब रिवाइव कर पाए मैट को तो 2v3 का होगा, नहीं तो नहीं होगा। रेट्रीब्यूशन एक्स की टीम टीम नंबर 20 के साथ खेल रही हो, कि मतलब रेट्रीब्यूशन एक्स की ही टीम है, शेडलॉक वेडलॉक नहीं दिखे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं होगी, हिटमैन भी है। तो फिनिक्स स्पॉटेड है शायद से नवजोत BTC के द्वारा, तो वहीं केज के टेनेट को एग्जॉम माइकल ने डाउन कर दिया है, वहीं एग्जॉम माइकल को भी स्लग के टेनेट के द्वारा डाउन किया जा चुका है ट्रेड फायर में। एक बार एग्जाम की टीम पर चल देते हैं, वो भी फाइट डाउन ले रही है, PSY की टीम के अनरियल एलिमिनेट हो चुके हैं पूरी तरीके से, डार्क लॉर्ड को भी ब्लैंक के काउबॉय के द्वारा डाउन किया जा चुका है, एलवेस के मैट डाउन हो चुके हैं इग्नाइट ओपी के द्वारा, तो यार ओके एलवेस की टीम पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है यहाँ पे रिट्रीब्यूशन एक्स की टीम के द्वारा। तो गास्टली अभी के लिए M16 लेके रशिंग कर रहे हैं टीम नंबर 22 पे आई थिंक सो, थोड़ा सा ड्रोन व्यू देखा लेने की कोशिश करते हैं। एक्सम माइकल ऊपर डाउन पड़े हुए हैं, वहीं स्लग इनका नाम थोड़ा मतलब स्लगो ओके स्लगो टेनेट
टीपी प्लेयर इनके पास कार है, वहीं एग्जाम के स्क्रिलेक्स पीछे से आ रहे हैं और केज के टेंडर प्रोन थे अभी के लिए। वहीं ए ब्लाइंड के डी एम सी ने एक बंदे को डाउन कर दिया है, तो ब्लाइंड के डी एम सी को भी एब्स्ट्रैक्ट की डिग्यांत के द्वारा डाउन किया जा चुका है। तो वही फाइट पे चल देते हैं, दिग्यांत ने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है यहाँ पे ब्लाइंड के बंदे को, डी एम सी क्या बोल रहा हूँ मैं, डी एम सी गाइस मतलब ज़्यादा वो क्या बोलते हैं यार, मतलब गाइस समझा करो यार प्लीज़। पहला बार मैच है टीयर वन में, मतलब कास्टिंग के मौका मिला है, थोड़ा सा वो होता है फंबलिंग। पिकाडो में दो स्क्वाड है फिलहाल के लिए, टीम 20 एंड टीम 3। तो रेट्रीब्यूशन एक्स की टीम है और लेक्सटम की भी टीम देखने को मिल रही है यहाँ पे। बोबडोप पे चलते हैं एक बार, बोबडोप के पास है M16A4। तो अभी के लिए इनका एक ओके एग्जाम के स्क्रिलेक्स को टेनेट आदित्य टेनेट के द्वारा डाउन किया जा चुका है। तो एक बार वहीं चल लेते हैं यार, एग्जाम की टीम पे चलता है। माइकल भी डाउन हो चुके हैं यहाँ पे स्लगो के टेनेट के द्वारा। स्लगो के टेनेट को घैसली ने शॉटगन से डाउन कर दिया यार, मतलब शॉटगन अच्छी चलाना मतलब इज़ अ वेरी रियल स्किल। गैसली को रिलोड कर देनी चाहिए अपनी SX86। जी हाँ वो कर चुके, पीछे से DP के मतलब मिनी 14 के शॉट्स पड़ रहे हैं और यहाँ पे स्क्रिलेक्स और ओके कार्नेटेड का शॉट पड़ गया है गैसली को। गैसली अभी के पेन किलर्स लेंगे, वही स्लगो के टेनेट को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा चुका है। तो थोड़े ड्रोन भी पे चलते हैं और यहाँ पे एक बंदा था मेरे को दिखा था, जी हाँ फ्री टेनेट ने कार्नेटेड का शॉट कनेक्ट किया था। वहीं केज के टेनेट को गैसली ने डाउन कर दिया है और आदित्य टेनेट पे भी शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। वहीं दोनों बंदों को रिवाइव करना जाना चाहिए, टेनेट के मतलब फ्रीक के टेनेट शॉटगन लेके रशिंग कर रहे हैं, इनके पास शॉटगन और कार 98 है विच इज़ अ वेरी खतरनाक कॉम्बो। शॉर्ट रेंज मतलब शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज को भी कवर करता है, लेकिन बस बात ये पढ़नी चाहिए तभी बंदा नॉक या फिनिश हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और हम थोड़ा बाहर चलते हैं, आदित्य टेनेट पे शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की गई है और यहाँ पे आदित्य को राउंड किया जा चुका है। फ्रीक बचे हैं, फ्रीक भी एलिमिनेट हो जाएंगे। जी हाँ एक्सम क्लैन ने यहाँ पे 4 किल्स निकाल लिए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके, एक दो जी हाँ एक बंदा नॉक है इनका, मेरे को लगा दो थे लेकिन स्क्रिलेक्स को रिवाइव किया जा चुका है। तो अभी के लिए इन्होंने 4 किल्स निकाल लिए, इनको ज़्यादा दिक्कत है मतलब आसपास इनके कोई टीम दिख नहीं रही है तो इनको दिक्कतें नहीं होंगी। फिलहाल के लिए एब्स्ट्रैक्ट टीम पर चलते हैं, वो भी शॉट्स ले रहे हैं दिग्यांत, 3 किल्स हैं इनकी टीम के और ब्लाइंड के दो बंदे बचे हैं दैट इज डैडी एंड काउबॉय। वहीं नॉट पेन को ETS के फेल्स ने डाउन कर दिया है और नॉट पेन को पूरी तरीके से एलिमिनेट भी कर दिया है, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। वही जायरो गॉड ने राइवल के अरे भाई अपने पे स्मोक कर दिया इन्होंने, जायरो गॉड ने राइवल के स्मोक मतलब रूप का किल कंफर्म हो चुका है। तो जायरो गॉड की कौन सी टीम एक बार देखना पड़ेगा। वहीं बन्ना ने ब्रुक्स के हैरी को डाउन कर दिया है, जायरो गॉड की एक बार टीम पर चलते हैं। ETS के तनिष ने पूरी तरीके से उन्हें एलिमिनेट कर दिया है, तो एक बार जायरो गॉड की टीम पर चलते हैं। डायरेक्ट जायरो गॉड की टीम टीम 23 से फाइट डाउन ले रही है। जी हाँ तो इन्होंने 2 किल्स तो निकाल लिए हैं लेकिन इनके राइवल स्मोकर नूब ओके वो इनके एलिमिनेट हो चुके हैं। कार्नेज को पूरी तरीके से फिनिश ऑफ किया जाएगा तनिष के द्वारा, जी हाँ कर दिया जा चुका है। जायरो गॉड के पास है SKS विद AKM, तो शायद से ये अभी के लिए बैक ऑफ करना चाहेंगे नहीं क्योंकि 1v3 का सिचुएशन है इनके लिए, इन्होंने फुल बूस्ट तो कर लिया है या फिर हो सकता है ये फाइट लेने के मूड में लग रहे हैं, मेरे को सीधे हेड ऑन कर रहे हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता अभी के लिए। जायरो गॉड अभी के लिए उतर चुके, थोड़े से ड्रोन व्यू पर चलते हैं। टीम 23 के बंदे इनके जस्ट सामने, जायरो गॉड के पास है SKS विद 8x स्कोप, तो मतलब अच्छी रेंज कवर हो जाती है। जायरो गॉड मौके का तलाश कर रहे हैं और जैसे ही कोई मतलब अच्छा मौका मिलेगा वैसे ही शॉट्स करेंगे मतलब मारेंगे और एक को शायद नॉक कर दें, जहाँ फैस को नॉक कर चुके हैं और दूसरे बंदे रिलोड पे चले गए इनकी गन नहीं तो दूसरे को बंदे को भी नॉक डाउन कर देते जैसे बनना, लेकिन रिलोड पे अनफॉर्चुनेटली इनकी गन चली गई तो नहीं कर पाए। और टीम 23 ने अपने लिए 20 मतलब 4 किल्स निकाल लिए हैं। पहला एयर ड्रॉप आ चुका है, सरकारी ड्रॉप है, ऑगे 3 है, लेवल 3 किट्स है, फर्स्ट एड किट भी है, तो फर्स्ट एड किट तो मतलब हर जगह मिल ही जाती है तो इसके लिए ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो मतलब यार रेयर चीज़ तो नहीं है जो आप ड्रॉप पे स्पॉन कर रहे हो, पर चलिए करा है तो किसी मकसद से ही करा होगा। भाई टीम नंबर 25 डाउन लेती हुई पिकाडो में टीम नंबर 3 के साथ लेक्सटम टीम की और रेट्रीब्यूशन एक्स की टीम की फाइट हो चुकी है। लेक्सटम के ओमेगा को लिट किया गया, थोड़ा सा उनको हील करना पड़ेगा। वहीं नवजोत BTC
पीक करके प्रोन हो जा रहे हैं, मतलब बार बार ये कर रहे हैं, तो हल्का सा वनी बन चुका है। ओमेगा ने अभी के लिए एक एनर्जी ड्रिंक पी लिया है, तो उनकी हेल्थ मतलब बूस्टर वूस्टर ले लिए यार। अभी के लिए टीम 5 भी थर्ड पार्टी करती हुई दिख रही है, गॉड्स की टीम, गॉड्स रेन टीम नंबर 20 को शायद से, वहीं आई पी मैन को MYM जग्गा ओपी ने डाउन कर दिया, और शायद से एम की टीम। ओके, आई पी मैन पूरी तरीके से ब्लीड आउट हो चुके हैं, तो एक बार चलते हैं यार MYM की टीम पे, MYM ऑल स्टार्स पे एक बार चलते हैं। जग्गा ओपी ने एक को डाउन करके एलिमिनेट कर दिया, वहीं टीम जेनोसाइड के DD ने जग्गा ओपी को डाउन कर दिया, तो यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन लगते हुए मेरे को DD को भी डाउन किया जा चुका है। अब 2v2 का सिचुएशन है, रॉकी और ज्यूस बचे हैं, रॉकी अभी के लिए स्मोक्स करेंगे और पीछे की तरफ थोड़ा भाग चुके हैं, कहा है भैया थोड़ा पीछे आ जाओ, उधर बचना मुश्किल है। वहीं बैड नेट शायद से अपने जग्गा टीम मेट जग्गा ओपी के पास जा रहे हैं, और टीम VRS की अयान पे चलते हैं, रिवाइव कर करना की मतलब रिवाइव करने की कोशिश करी जाएगी जग्गा ओपी को जल्द से जल्द। एम के जिस भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, उनको स्प्रे अगर अच्छा कनेक्ट हुआ तो शायद से ओके एंगल नहीं बना अयान पे, नहीं तो वो नॉक पिक ऑफ चल हो जाते। लॉस लियोन्स में MYM की ऑफिशियल वाली टीम लूट करती हुई, जल्दी उनको भी निकलना पड़ेगा। और टीम 17 TTN की भी टीम 5 डाउन लेती हुई, वोल्ट 69 स्प्रे कर रहे थे शायद से टीम नंबर, देखना पड़ेगा मेरे को, टीम 16 के नूब टॉर्पीडो पे। वहीं बिग पापा ने नूब के क्रिप्टन को डाउन कर दिया है, तो क्रिप्टन डाउन हो चुके हैं फिलहाल के लिए। टॉर्पीडो इनके कहाँ है यार, ये क्या हो रहा है, थोड़ा रेंडर हो जाओ भाई। तो क्रिप्टन को पैन से मारा गया यार, और जग्गा ओपी को उसके द्वारा डाउन कर दिया जा चुका है। एक बार चलते हैं जग्गा ओपी पे, तो टीम 14 किधर है, एक बार चलते थे। वहीं रेवन के सूर्य ओपी को एक्सम के स्क्रीलेक्स ने डाउन कर दिया, न्यू नाइक ने ब्लैंक के काउबॉय को डाउन कर दिया, और रेवन के लेमू ने एक्सम के ओके स्क्रीलेक्स को फिनिश ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे वन भी बैड नेट भी शायद से एलिमिनेट हो जाएंगे। जी हाँ, टीम 14 एलिमिनेट हो चुकी है यहाँ पे बाय टीम एम मतलब टीम जेनोसाइड, तो बहुत ही प्यारा वाइप डाउन देखने को मिला हमें यहाँ पे। भाई टीम नंबर 2 भी रोटेटिंग करती हुई दिख रही है, टीम 8 अभी के लिए जो मसेरा लूटती हुई, टीम 17 के बंदे भी फाइट डाउन ले रहे हैं यहाँ पे टीम नंबर 16 के बंदों के साथ, तो टॉर्पीडो के बाकी सारे टीममेट्स मर चुके हैं, यही अकेले बचे हैं। यार ये पिंक का क्या इशू है, गॉड्स के इको ने भी बंदे को नेट से डाउन कर दिया यहाँ पे, थोड़ा पिंक का इशू दिख रहा है मेरे को। दूसरे मतलब तीसरे एयरड्रॉप पे चलते थे यार, दूसरा एयरड्रॉप हम दिखा नहीं पाए, ये कैसे गिर रहा है, थोड़ा अजीब सा वे नहीं है। MK14 लेवल 3 किट्स एंड एड्रेनलिन सिरिंज, 8 टाइम्स का स्कोप भी है, तो बहुत ही प्यारा स्कोप है। वही रेट्रीब्यूशन एक्स के इग्नाइट ओपी को डाउन किया जा चुका है गॉड्स के फ्रॉस्ट के नेट के द्वारा, तो मतलब गॉड्स की टीम क्या ही फ्रैगिंग कर रही है, मतलब बहुत ही प्यारे नेट्स फेंक रहे हैं वो लोग अभी टीम नंबर 3 के ऊपर। तो वो टीम नंबर 20 और टीम नंबर 3 से मतलब कॉन्स्टेंट फाइट्स में होंगे, अभी टीम नंबर 20 के लिए थोड़े मुश्किल हालात हैं यहाँ पे, और शायद से टीम नंबर 20 एलिमिनेट हो जाए। जी हाँ, रेट्रीब्यूशन एक्स की टीम को एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे गॉड्स की टीम ने, तो बहुत ही प्यारा खेली गॉड्स रेन की टीम। वहीं लेक्सटम की टीम ने शायद से सोच लिया कि मतलब इस मौके का फ़ायदा उठाया जाएगा और थर्ड पार्टी करा जाएगा यहाँ पे गॉड्स की रेन की टीम के ऊपर। और वहीं फ्रॉस्ट ने गमला बॉय को डाउन कर दिया, और गमला बॉय अपने ही नेट से मतलब नेट कुक कर रहे होंगे, वहीं उनको ऑफ गार्ड पकड़ लिया और डाउन कर दिया, और अपने नेट से वो फूट के मर गए कि लेकिन गॉड्स की टीम पे आएगा। और रेवन के दिव्यज ने एक्सम के बंदे को डाउन कर दिया, एक्सम की टीम के साथ वो फाइट ले रहे हैं अभी के लिए। 2v3 का सिचुएशन है लेक्सटम की टीम के लिए, पोपडोप और ओमेगा शायद से ऊपर की तरफ रशन करेंगे, पेन किलर उठा के अभी के लिए ओमेगा फुल बूस्ट करना चाहेंगे क्योंकि 2v3 का सिचुएशन है। वही एक्सम के रॉजर को पूरी तरीके से रेवन के LDVJ ने एलिमिनेट कर दिया है, तो एक्सम की टीम भी थोड़ा मुश्किल में दिखती हुई। गैसली बचे अपनी टीम के लिए, पर चल देते हैं गैसली पे, तो टीम 15 के मध्य थोड़ी दूरी पर 7S की टीम भी मेरे को नॉर्दर्न साइड से रोटेटिंग करती हुई दिख रही है। एक बार पिकार्डो पे ही चल देते हैं। ओके, टीम 12 के एब्स्ट्रैक्ट की टीम भी फाइट ले सकती है, एब्स्ट्रैक्ट के क्वार्क नॉक हो चुके जैसा कि मैंने कहा फाइट ले सकती है, और डाउन हो भी गए क्वार्क बहुत ही जल्द, और फेनिक्स की हेल्थ लो है, और टीम नंबर 10 ने पूरा दर्शन कर दिया यहाँ पे। भाई पिंग का इशू और मासिक बहुत ही लो है, मासिक को हील कर देना चाहिए उससे पहले मासिक को डाउन किया जा चुका है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का हर्ष बचा है सिर्फ, और टीम नंबर 10 के दो बंदे जिंदा हैं, और सिर्फ पूरी अच्छे से शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे यार। और न्यू नाइक पूरा उसी से रश करने की ट्राई कर रहे हैं अभी के लिए, थोड़ा उधर की तरफ चलते हैं, और हर्ष बहुत ही लो है अभी, हर्ष को भी एलिमिनेट किया जा चुका है यहाँ पे जेरफ के स्प्रे से, AKM के स्प्रे से डाउन कर दिया था
हर्ष को, लेकिन ब्लाइंड के डैडी ने एटलस को फिनिश ऑफ कर दिया पार्टिकल सेवन के थ्रू। इट इज़ मतलब थोड़ा मुश्किल, मतलब कैजुअलिटीज भुगतनी पड़ी टीम नंबर 10 को, उनका एक बंदा फिनिश ऑफ हो गया, लेकिन नेवरदलेस इनको 5 किल्स इनके कोटे में है। यार ये ड्रॉप कैसे गिर रहा है यार, इसमें है लेवल 3 किट्स एंड DBS शॉटगन 30 एमओ के साथ 12 गॉच की। टीम 23 और टीम नंबर 24 बहुत ही आसपास दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ब्लाइंड के डैडी को भी एलिमिनेट करा जा चुका है पार्टिकल सेवन के माजिक के द्वारा, तो वो भी टीम एलिमिनेट हो चुकी है। टीम जेनोसाइड सैन मार्टिन के थोड़ा सदर्न साइड पे है, और शायद से अब टीम 24 के और बंदे पे चलते हैं, वीरू पे चलते हैं एक बार। वो टीम 17 के बहुत ही पास में है, इनके पास है MK14। अभी क्लेन को पता चल चुका है कि सामने बंदे और ये एड्रेनलिन इंजेक्ट कर रहे हैं फुल बूस्ट के लिए। तो TTN की टीम जस्ट सामने, पिछले मैच में TTN की टीम मैं देख रहा था लाइव स्ट्रीम, बहुत ही प्यारा प्रदर्शन करी थी, थर्ड आए थे विद बहुत सारे किल्स। तो वोल्ट 69 जस्ट इनके सामने, वीरू अभी के लिए नेड को कर रहे हैं, थोड़ा सा ड्रोन शॉट पे चलते हैं, और अगर प्यारा सा नेड हुआ तो शायद से ओके बहुत ही प्यारा नेड था यार, वोल्ट 69 को डाउन कर दिया उनके नेड ने। स्मोक्स करेंगे अब इनके टीममेट बिग पापा, तो जितनी जल्दी स्मोक्स करें, लेकिन भाई वीरू के एक और नेड ने बिग पापा को भी डाउन कर दिया। तो यहाँ पे 7S की टीम मतलब आग लगाती हुई, लिटरली आग लगाती हुई गेम में ब्रो। और TTM के दो ही बंदे बाकी है, तो 2v4 का सिचुएशन है TTM के फैलगन और मैड डॉग के लिए। 7S के वीरू खुद को थोड़ा सा हील करेंगे, और इवोक के थोड़ा पास में नेट फटा था, और विशियस और वीरू दोनों आगे आ चुके हैं भाई। फैलकन को, फैलकन ने लिट कर दिया विशियस को, और विशियस भी थोड़ा हील वील करेंगे भाई। मैड डॉग पीछे से कवर दे रहे हैं, और दोनों टीममेट्स अभी के लिए हील करेंगे खुद को। फैलकन अभी के लिए रिवाइव करने जा रहे हैं अपने टीममेट को, और वोल्ट 69 एलिमिनेट हो चुके, फैलकन भी डाउन हो चुके हैं यहाँ पे। 7S के वीरू के नेट की तरफ बहुत ही प्यारी नेडिंग कर रहे हैं आज वीरू, और बिग पापा को एलिमिनेट किया जा चुका है। फैलकन भी जल्दी ही एलिमिनेट होंगे। मैड डॉग पे एक बार चलते हैं, क्या हाल है उनके, शायद से फॉल बैक लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज 7S की टीम इज टू OP मैन। उन्होंने TTN की टीम के बंदों को मतलब बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। फैलकन के बचने के भी चांसेस निल हैं। जी हाँ, फैलकन को भी एलिमिनेट किया जा चुका है। 7S की टीम ने ले लिया 3 किल्स, वो भी तीनों के तीनों वीरों के नाम है, जिन्होंने अपनी नेडिंग स्किल से हमारा दिल जीत लिया भाई। 3 किल्स निकाले मतलब कोई छोटी बात नहीं होती है भाई। मैड डॉग सामने TPP ले रहे हैं, इनको शायद से पता होगा कि एक बंदा सामने है, और पूरे चारों के चारों बंदे रशिंग कर रहे हैं। मैड डॉग ने स्प्रे करने की कोशिश की, मैड डॉग ने विशेष को डाउन कर दिया, लेकिन मैड डॉग भी ओके, मैड डॉग बच चुके हैं। मेरे को लगा मैड डॉग एलिमिनेट हो जाएंगे, मैड डॉग कुछ भाग रहे हैं, और मैड डॉग भी हो चुके वीरू को ज़रा एलिमिनेट। तो चारों के चारों किल वीरू, 7S के वीरू ने निकाल ली है। 7C के वीरू बहुत ही प्यारा प्रदर्शन करते हुए इस गेम में 4 किल्स निकाल चुके हैं अर्ली ऑन इन द गेम। 13 टीम्स बची हैं, 37 मेंबर्स लाइव हैं अभी के लिए। थर्ड फेज श्रिंक इन हो रहा है, 18 मिनट का गेम अभी के लिए हो चुका है, मतलब 17.5 मिनट का, लेकिन राउंड ऑफ करके 18 मिनट हो जाता है वो। और थर्ड फेज बन चुका है, मतलब काइंड ऑफ हार्ड शिफ्ट ही लिया है इसने, जहाँ पे 4-5 टीम जोन के अंदर है। टीम 2 को भी रोटेट करना है, टीम 8 भी रोटेशन स्टार्ट कर ही रही है आई थिंक सो। एस्टिक की टीम भी निकल चुकी है रोटेशन करने के लिए। टीम 15 नॉर्दर्न साइड से रोटेट कर रही है। टीम 24 के डकी शायद से AFK हैं एक बार, ओके डकी AFK नहीं है, तो इनके पास 2-3 टीम्स आने वाली है। टीम 15 का भी रोटेशन इनके पास सही आएगा, और टीम नंबर 23 तो इनके पास ही में थी। टीम नंबर 10 दैट इज़ IM की टीम को भी मतलब वो जोन के लिटरली एज पे बैठे हुए हैं अभी, उनको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, मतलब रिजिश पकड़ लेंगे तो, और वहाँ से कोई टीम आने भी नहीं वाली यार, क्योंकि मतलब नॉर्मल सी बात है उधर कोई है ही नहीं, और पूरा जोन काइंड ऑफ हार्ड शिफ्ट ही लिया था। थोड़ा हम जूम इन चलते क्योंकि बहुत ही रश हो रहा है, मतलब बहुत ही क्राउडेड मैप है। और पिकाडो में अभी भी दो स्क्वाड्स है, LSKT, लेक्सटम्प एंड गॉड्स रेन। यार इन दोनों ने अभी तक पैसिविटी शो कर रखी है, नो इश्यूज़। तो टीम 2 के जस्ट पास एस्टेक की टीम एक बार चलते हैं। एस्टेक की टीम ने शायद से गाड़ी स्लैम कर दिया वहीं पे। अरे भाई थोड़ा सा रेंडर हो जाओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो भाई, पिंग हाई हो गया अचानक से भाई भाई भाई, रेंडर वेंडर हो जाओ। 7S के विशेष को AMK जियोस ने डाउन कर दिया, फिनिश ऑफ भी कर दिया भाई, बहुत ही प्यारा नेट से निंजा डाउन हो चुके हैं। बिलीव के बहुत ही प्यारा नेट, वहीं किल्सम ने क्या ही कवर दिया, बिलीव को डाउन कर दिया। क्लोक भी रशिंग करते हुए दिख रहे हैं मेरे को, दूसरी तरफ से निंजा को रिवाइव करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। लेफ्ट से ड्रिगर और इमोर्टल आ चुके हैं,
तो वो भी कुछ मतलब ट्रिगर सेवन आ चुके हैं यहाँ पे, और एस्टेक स्वाइडी के लिए 1v2 को सिचुएशन है यहाँ पे, दो बंदे हैं। थोड़ा और ऊपर के लिए हम चलते हैं, वहीं एस्टेक के बंदे भी रशिंग कर रहे हैं, तो निंजा को जल्दी ही रिवाइव करना पड़ेगा। क्लोक रिलीफ को रिवाइव दे रहे हैं अभी के लिए। स्पाइडी नेट वेट कुक करें, बहुत ही प्यारा नेट किया पर हल्का सा ज़्यादा कुक कर दिया, अगर 1 सेकंड का ज़्यादा कुक ना होता तो हो जाता काम। वही टीम जेनोसाइड के डीडी को 7 सीज के इवोक ने डाउन कर दिया है। तो एक बार हम ओके, ड्रिगर सेवन अपने ही नेट से डाउन हो चुके हैं यहाँ पे, ये गलत डिसीजन, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही ओवर कुक नेट हो गया। तो ऐसे मतलब नो इश्यूज यार भाई, ऐसे नेट्स मत क्या करो, रिवाइव करना लिटरली इम्पॉसिबल ही। 3v2 का सिचुएशन है, क्लोक और बिलीफ के लिए एक बार क्लोक पे चल देते हैं। क्लोक नेट कुक कर रहे हैं, वाई एम के इमोर्टल डाउन हो चुके सैटन के द्वारा, और क्लोक ने नेट कुक किया है, बहुत ही प्यारा नेट था पर कनेक्ट नहीं हुआ। इमोर्टल पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं सैटन के नेट से, और टीम जेनोसाइड के डीडी ब्लीड आउट हो चुके हैं। तो इवोक को अपना किल मिल गया होगा। लोडिंग क्यों आ रहा है स्क्रीन पे मेरे, गॉड डैम इट। क्लोक हर जगह स्मोक वॉल्स बना रहे हैं, और 7S के डकी को रेवन के लेम्यून के द्वारा डाउन किया जा चुका है। तो टीम 15 इज़ गेटिंग इन टू एक्शन, डकी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुके थे। 7Cs के लिए थोड़ी मुश्किल हालात दिख रहे हैं, वो कभी के लिए तो जा रहे होंगे, क्योंकि मतलब टीम 4 सैंडविच सिचुएशन में दिख रही है मेरे को। एक बार चलते हैं एम के ज्यूस, जी हाँ सैंडविच सिचुएशन में है। ओके किल्सम को डाउन कर चुके हैं वाई एम के क्लोक, तो यहाँ पे एक बार चल देते हैं क्या हालात हैं। आज तक के निंजा ने क्लोक को ट्रेड फायर में डाउन कर दिया। अरे भाई क्या लैग हो रहा है, उतना गंदा भी लैक नहीं है। एक बार बिलीव रिवाइव करे क्लोक को, ड्रिगर 7 लीड आउट होने के सिचुएशन पे हैं, तो वो बचना उनका तो इम्पॉसिबल है अभी के लिए। बिली शायद से स्मोक्स कर रहे हैं लोग अपनी तरफ अपनी जगह पे, जी हाँ सारे जगह स्मोक्स करे जा रहे हैं, और बंदा आ चुका है यहाँ पे, निंजा आ चुके हैं लेफ्ट से, और निंजा ये मैंने क्या देख लिया गाइस, डेढ़ से शायद से मर गए थे, आई थिंक सो, जी हाँ सैटन ग्रेनेड से दोनों बंदे मर गए थे, और सैटन ग्रेनेड से निंजा भी डाउन हो गए, और वहीं पे एम की टीम भी एलिमिनेट हो चुकी है 7Cs की टीम के द्वारा। तो टीम 24 के भी शायद से 7 के लिए, जी हाँ 7 के लिए इनके, इनको 400 मीटर दूर जोन में जाना है, और 2 मिनट का वक्त बाकी है जब तक 5th फेज क्लोज नहीं हो जाता। तो टीम 8 जस्टिन के नीचे, तो टीम 8 के पास थोड़ा सा हाइट का डिसएडवांटेज है, लेकिन मतलब उनको भी थोड़ा पता ही होगा टीयर वन स्क्रीन से, तो पता होगा कैसे डील करना है सिचुएशन से अभी के लिए। तो मेरे को एक्सप्लिसिट निकलते हुए दिख रहे हैं, वही वेनम पे बहुत ही प्यारा स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश की गई, वेनम शायद से नॉक हो जाएंगे, नहीं एक्सप्लिसिट को नॉक किया जा चुका है, एक्सप्लिसिट को पूरी तरह से फिनिश ऑफ करने की कोशिश रही थी पर हो नहीं पाए। वही M24 के फटके चल रहे, एक बार वेनम पे चल देते हैं, वेनम हो चुके हैं बहुत ही लो, इनके पास थी शायद से M24, जी हाँ, तो इनको भी थोड़े फटके दिखाने पड़ेंगे अगर बचना है। तो इवोक को स्पॉटिंग कर लिया है, यहाँ पे स्मोक्स करे जा रहे हैं, वीरू पे एक शॉट करा है, कनेक्ट करा है, लेकिन बॉडी शॉट कनेक्ट हुआ, अगर हेड शॉट कनेक्ट होता तो शायद से नॉक तो ना होते, लेकिन बहुत ही लो हो जाते क्योंकि इनके पास लेवल 3 हेलमेट है अभी के लिए। इनको जोन में निकलना पड़ेगा आई थिंक सो, बिकॉज जोन ने हार्ड शिफ्ट ही लिया है, मतलब दो ही तीन टीम मेरे को जोन में दिख रही है। गैस एक्सोन की गैसली ने अर्ली ऑन मतलब जोन होल्ड कर लिया है, इनको पता है कि मतलब जल्दी पे अर्ली पोजीशन ले लो, अभी काम बनेगा। अभी नूब के टॉर्पीडो ने एक्सप्लिसिट को डाउन कर दिया, तो यहाँ पे नूब की टीम भी एक्शन में आती हुई दिख रही है, तो टॉर्पीडो ने शायद थर्ड पार्टी कर दिया। वहाँ पे एक और बंदे को डाउन कर चुके थे वेनम को, लेकिन जेन वेनम ने इनको ओके जेनो ने इनको एलिमिनेट कर दिया है। तो 7Cs की टीम ने देख लिया होगा कि फ़ायदा उठा सकते हैं, वेनम बहुत ही तगड़ा स्प्रे कर किया है, और इवोक ने चुरा लिया है वेनम का किल। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट को रिवाइव मिल रहा है, तो ये भी टीम साई की टीम भी 2 मैन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। डीप मतलब वो MK14 चला रहे वीरू अभी के लिए, टीम 15 के ऊपर बहुत सारी टीम्स को जोन में रोटेशन करना है। वही पिकाडो पे एक बार चलते हैं, पिकाडो का क्या सीन है, दोनों टीम्स पैसिविटी शो कर रही है, किसी भी टीम ने फाइट नहीं ली है। वोब्डो पर ओमेगा को मतलब पास ही है उनके जोन, 18 मीटर है, तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे जोन के अंदर। और अभी के लिए 8वें एयर ड्रॉप पे चलते, मैंने कितने एयर ड्रॉप्स मिस कर दिए यार, ये थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, मतलब स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा था, अब भी नहीं हो रहा, ये क्या ग्लिच है। तो शिट, इसमें M249 है विद लेवल 3 किट्स, तो मतलब असॉल्टिंग के लिए बहुत ही प्यारा एयर ड्रॉप है यार, ले वे लो। ड्रॉप 6 पे चल देते हैं, फ्लेयर ड्रॉप था इस पर, MK14 छोड़िए भाई, MK14 इस मतलब मेरे लिए तो क्लोज रेंज में उससे ज़्यादा प्यारी गन कोई हो नहीं सकती।
वहीं गॉड शुभम एस्टेक के स्पाइडी को स्पॉट इन कर चुके हैं और शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एस्टेक के स्पाइडी के ऊपर। एस्टेक की टीम के वीकली से 3 किल्स हैं और किल्सम पे शॉट्स कनेक्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें नॉक वॉक नहीं कर पाए, तो नो इश्यूज अभी के लिए। किल्सम खुद को हील करेंगे और नीड स्पैम इन कर रहे हैं शायद से टीममेट के बंदों पे, उन्हें पता है कि ये बंदा उधर है। भाई रेवन के विजय गाड़ी के बस से फिनिश ऑफ हो चुके हैं, तो यहाँ पे 10 टीम्स अलाइव है, 25 मेंबर्स बचे। जोन ने लिया है काइंड ऑफ हार्ड शिफ्ट, पूरा माउंटेन पे कटा है जोन, मतलब ड्रॉप के अराउंड ही जोन कटा है। वहीं स्प्रे करने की कोशिश की जा रही है, टीममेट इज इन अ रियली बैड सिचुएशन फॉर नाउ। टीममेट पे स्प्रे किया है और गाड़ी फोड़ दी टीममेट की, तो भाई थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए जोन में रोटेटिंग करना। जेनो पे स्प्रे डाउन किया था, वहीं गॉड्स की टीम होल्ड करके रखी है। वहीं गॉड्स के मेजर अल्फा ने आईएम के ज़ेरफ को डाउन कर दिया है और एस्टेक सैटर्न डाउन हो चुके हैं। इवोक के दौरान यहाँ पे 7S की टीम भी थर्ड पार्टी करती हुई, वीरो पे एक बार चल देते हैं। स्पाइडी को भी डाउन किया इवोक ने, तो यार 7S की टीम क्या ही थर्ड पार्टी कर रही है यहाँ पे। वीरो बहुत ही लो हो चुके हैं, उनको जल्दी ही हील करना पड़ेगा। वही किल्सम और निंजा अपने टीममेट्स को रिवाइव करने का बहुत ही मतलब ट्राई करेंगे, क्योंकि यार वो अभी 2 बंदे नॉक हैं उनके और 2 ही बंदे जिंदा है। गॉड्स की टीम और लेक्सटम की टीम सामने है। PSI की टीम अभी के लिए एक्शन नहीं लेना चाह रही, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लिए बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। एक मिनट में जोन श्रिंक इन होगा, 6th फेज श्रिंक इन होने वाला है एक मिनट में, तो जल्दी ही मतलब फाइट खत्म करके जोन में रोटेशन करना पड़ेगा बाकी सारी टीम्स को। वीरो MK14 चला रहे हैं यहाँ पे टैप सिंगल शॉट से और जेनो को बहुत ही लो कर दिया, 2 शॉट शायद से कनेक्ट करे हैं तभी इतने लो में, अगर 1 शॉट और कनेक्ट होता तो नॉक हो जाते हैं। वहीं ETS के मेरे फैज ने रेवन के एक बंदे को डाउन कर दिया, तो टीम 23 भी फाइट डाउन लेती हुई। ETS के नर्फेज अभी के लिए बैंडेज कर रहे, तनिश को डाउन किया जा चुका है। वही सूर्यो पी लेमू के नेट से पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पे, तो फैज पूरी तरह से फ्री फायर दे रहे हैं यहाँ पे। एक क्रिलिन ओपी को भी डाउन किया जा चुका है पीछे से। ओके ETS की पूरी टीम एलिमिनेट करी जा चुकी है यहाँ पे रेवन के लेम्यू के द्वारा, तो बहुत ही ओपी प्रदर्शन लेम्यू के द्वारा, क्या ही प्रदर्शन था इनका। वहीं एक्सम के घैसली पीछे से शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे थे इन पर कि एक किल चोरी हो जाए। वहीं गॉड्स की टीम को आईएम के न्यू नाइक ने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। एस्टेक के निंजा को एक्सप्लिसिट ने डाउन कर दिया, तो यहाँ पे टीम 8 भी फाइट में आती हुई दिख रही है मेरे को। एक्सप्लिसिट बहुत ही लो है। ओमेगा डाउन, ओके ओमेगा और बोब डोब को पूरी तरीके से व्हीकल बर्स्ट में फिनिश ऑफ कर दिया जा चुका है। एक्सप्लिसिट पे बहुत ही प्यारा स्प्रे आया और एक्सप्लिसिट को भी एस्टेक की टीम ने कंफर्म कर दिया, तो अब सारी टीम्स को जोन में भागना ही पड़ेगा। एक बार गॉड्स की टीम पे चलते हैं, उनके लिए बहुत ही एडवांटेजेस सिचुएशन है, मतलब 7 किल्स इनके लिए और जोन में है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो पीछे से अच्छे से गेट कीपिंग कर सकते हैं। वहीं जेनो को भी एलिमिनेट किया जा चुका है, वीरू ने स्प्रे दिया है गॉड्स के सक्षम पे ले और नॉक हो चुके हैं आई एम जेरफ के स्प्रे से। वहीं हर जगह फाइट्स होती हुई दिख रही है। एस्टेक के सेटन डाउन हो चुके हैं ईको के द्वारा और सेटन जोन से मर चुके हैं। स्पाइडी भी जाते जोन से जाएंगे और रेवन के लेम्यू ने डाउन कर दिया वीरू को अपने नेट से और गॉड्स रेन की टीम एलिमिनेट हो चुकी है। रेवन की टीम वर्सेस 7S की टीम हो चुकी है यहाँ पे, तो इवोक ने डाउन कर दिया रेवन के लेम्यू को। एस्टेक स्पाइडी जोन से फिनिश ऑफ हो चुके हैं, लेम्यू को पूरी तरीके से कंफर्म करा जा चुका है, तो इवोक अपनी टीम के लिए लोन मैन सर्वाइविंग है। वहीं गैसली कंटिन्यूसली स्प्रेस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इवोक पे, इवोक अभी के लिए तो प्रोन डाउन हो चुके हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन देख लेते हैं, 1v3v1v1v1 है, तो यहाँ पे टीम 10 के पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है यार, 3 मैन स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारी टीम्स लोन मैन स्टैंडिंग है अपनी टीम के लिए। तो रेवन क्रिलिन ओपी अभी के लिए छोटा सा शैक होल्ड करके बैठे हैं। एग्जाम गैसली के पास है हाइट का एडवांटेज, मतलब उन्होंने क्या ही जोन प्रिडिक्शन किया, लेकिन अभी के लिए उनको जोन फेवर नहीं कर रहा है। उन्होंने क्या ही मतलब बहुत ही प्यारी हाइट लेके रखी है, दिक्कत ये आती है कि वो नीचे कैसे आएंगे, मतलब उनको थोड़ा सा स्लोप चाहिए आने के लिए, नहीं तो अगर वो बहुत ही लंबी हाइट से गिरेंगे तो शायद फिनिश ऑफ हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ड्रोन भी बचलते, टीम 10 थोड़ा सा जोन हाइट के डिसएडवांटेज पे है लेकिन जोन के एडवांटेज पे है, तो अभी के लिए ईफो थोड़ा सा मेरे को साइड सिचुएशन में लग सकते हैं। किल्सम उनके पीछे हैं और क्रिलिन ओपी उनके आगे। वही जैसे ही बात करी किल्सम को एलिमिनेट कर चुके हैं ईवो, तो एस्टेक की टीम 5th नंबर पे एलिमिनेट, 5th पोजीशन पे एलिमिनेट होती हुई। तो यहाँ पे 3v1v1 vs 1 का सिचुएशन है, तो जो भी लोन मैन सर्वाइविंग है सब लोग ट्राई करेंगे कि मतलब टॉप 2 या टॉप 3 तो ले ही आए अपनी टीम को। तो अब सवाल ये उठता है कौन सा बंदा एलिमिनेट होगा 4th पोजीशन पे, क्योंकि मतलब टॉप 3 के पॉइंट्स अच्छे खासे होते हैं। और रेवन की क्रिलिन ओपी को भी जोन में रोटेट इन करना है। एक बार चलते हैं, क्रिलिन ओपी दौड़ रहे हैं और गैसली का स्प्रे आया, शायद से फिनिश ऑफ हो जाएंगे। जी हाँ, गैसली ने इनको एलिमिनेट कर दिया है बहुत ही प्यारे तरीके से। गैसली को अब छलांग लगानी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी की छलांग। गैसली पे आया स्प्रे, गैसली किसी तरह बचते बचाते आ चुके हैं जोन के अंदर
और गैसली शायद से जोन में एंटर ना कर पाए, उसके पहले ही मर जाए। गैसली हो चुके प्ले जोन से एलिमिनेटेड, तो 7 सीज के इवोक बचे हैं, तो 3-1 का सिचुएशन है आईएम के टीम के लिए। तो बहुत ही प्यारा खेलती हुई टीम नंबर 10, लेकिन इवोक ने अपनी टीम को बहुत ही अच्छे पोजीशन पॉइंट्स दिला दिए, सेकंड टॉप 2 में ले आए अपनी टीम को, शायद से 1v3 का क्लच कर दें, मतलब कुछ कह नहीं सकते यार। एक बंदा वन मैन आर्मी होता है, इवोक को शायद से स्पॉट इन कर देंगे अभी आयन के बंदे, और इवोक पर स्प्रे डाउन करने की कोशिश की गई है, और माजिक नूब ने इनको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। तो यहाँ पे टीम नंबर मतलब टीम आईएम ने चिकन डिनर निकाल दिया है विद 10 किल्स, विच इज़ प्रिटी हाई नंबर ऑफ किल्स। 7S की टीम का पूरा मोर्चा संभाला था वीरू एंड इवोक ने, जिनके 6 किल्स ईच हैं, और एक्सम की टीम के 6 किल्स हैं। गैसलीन को इनकी टीम को क्या ही मस्त कैरी किया। रेवन की टीम के 7 किल्स हैं, एस्टेक की टीम के हैं 6 किल्स, गॉड्स रेन की टीम के हैं 8 किल्स, ये भी बहुत ही प्यारा खेले। PSY की टीम के हैं 3 किल्स, लेक्सटम की टीम के 0 किल्स हैं, और गॉड्स मेजर अल्फा की टीम के भी 0 किल्स हैं। ETS की टीम के हैं 6 किल्स, नूब की टीम के 0 किल्स हैं, टीम जेनोसाइड की टीम के 8 किल्स हैं, MYM की टीम के भी 0 किल्स हैं, और TTM की टीम के 1 किल हैं। ये इनको 7S की टीम ने बहुत ही प्यारे तरीके से मारा। ब्लाइंड डैडी की टीम के हैं 2 किल्स, मतलब ब्लाइंड टीम के 2 किल्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट टीम के हैं 3 किल्स, STE की टीम के 4, मतलब रेट्रीब्यूशन एक्स की टीम के हैं 4 किल्स, MYM की टीम के मतलब एक और MYM की टीम के 1 किल है, जायरो गॉड की टीम के 1 किल है, और टेनेट की टीम के भी 0 किल्स है, एलवेस की टीम के भी 0 किल्स है, और मालिक साहब तो ओनर थे तो मर गए उनका कोई नहीं, BYR की टीम के भी 0 किल्स है। तो यही कुछ कहानी रही अभी के लिए। हम ज़रा वो लगा दें स्ट्रीम स्टार्ट सून, उसके लिए मतलब स्ट्रीम लास्ट में यार मोबाइल से हम स्ट्रीम करते हैं तो लगाना पड़ता है मैनुअली। SPK आ रही है, SPK आ रही है भाई, आई डोंट नो फॉर नाउ, एक मिनट बता दे भाई। ब्रो सॉरी, मैं मतलब मेरा दूसरा फ़ोन ऑफ था अभी के लिए, तो अभी मैं ले आऊँगा, चार्जिंग पे लगाया था, तो अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, अभी हम स्ट्रीम स्टार्ट सुन लगा देते हैं। SPK हाँ ब्रो है, तो मैं कंफर्म कर दूंगा, अभी के लिए आप गाने सुन लीजिए थोड़े बहुत, मैं गाने लगा दे रहा हूँ भाई, जस्ट 1 मिनट रुकिए, मैच का आईडी पास आने ही वाला है, तब तक के लिए आप गाने सुन लीजिए थोड़े बहुत। Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. मतलब नहीं है दिखा कि मेरा ओके अरे भाई ये क्या हो क्या, एक मिनट गाइस, एक मिनट लगेगा, एक सेकंड रुकिएगा, हम बस एक चीज कर रहे हैं अभी, एक मिनट के गाने पॉज करने पड़े यार, मेरा गेम रीस्टार्ट हो गया पता नहीं कैसे, पूरे स्क्रीनशॉट्स ले नहीं पाया, तो माय और चैनल
हाँ जोन में निकल को पूरी तरीके से कंफर्म करा जा चुका है, तो आज पहले तो बहुत कम कर दो, स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे जरा। हाँ अच्छा एक मिनट रुकना, बस स्क्रीनशॉट्स ले लेते, हमारा गेम ही रिस्टार्ट हो गया। तो अभी के लिए एक सेकंड, ये हमारा गेम भी इतना धोखेबाज किस्म का है। ओके तो स्क्रीनशॉट सारे हो चुके हैं, हम गाने बजा ही दे रहे हैं आपके लिए, सुन लीजिए कान्नी बुइस। ओके बज जा, जल्दी बज, जल्दी बज, जल्दी बज। Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Thank you.
अबे यार भाई पावर बटन तो आपस गया, मैं इसको वो आवाज कम कर रहा था। गाइस तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाला मैच वीकेंड ही होने वाला है, तो अभी के 2-3 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। यार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर स्ट्रीम पसंद आ रही हो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर मतलब कास्टिंग अच्छी लग रही हो तो। और बस और क्या कह सकता हूँ मैं, वहीं पे टीम्स देख लीजिए गाइस, कौन मतलब बहुत अच्छी अच्छी टीम्स खेल रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि 7Seas खेल रही है, राइवल की ETS की टीम भी खेल रही है, और भी देख लीजिए गाइस टेनेट की टीम है, मिस्टिक की भी टीम आ चुकी है यहाँ पे, जायरो गॉड की भी टीम है गाइस, रेवन की टीम है, न्यूट की टीम है यहाँ पे, MYM की टीम है, एस्टेक है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट की टीम है, पार्टिकल 7 है, IM भी हैं इधर, ज़ेरफ और अरे भाई जब तक हम कुछ कह पाते मैच हो चुका है स्टार्ट। गाइस ऐसा कैसे ग्लिच यार, कोई वॉचिंग नहीं आ रही, मतलब आ तो रही है। चलिए थोड़े कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। ओपी भाई ए एसपी के आ रही है शायद से, नहीं ब्रो पता नहीं, आई डोंट नो एसपी की आ रही है कि नहीं। प्रिंस चार्मिंग ओपी कास्टिंग, थैंक्स अ लॉट ब्रदर, मतलब दिल जीत लेते हो यार ऐसे कह के, वैसे ही दिल जीत लिया करो सब। और अरे भैया पिंग तो भाई ऐसी की तैसी हो रखी है पिंग की, इससे कैसे इतना गंदा पिंग गाइस। ओके सही हो गया, तो हम ऊपर चलेंगे, हम इंडिया फाड़ के कहाँ चलेंगे। अरे 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 नहीं 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 भाई, ये इधर पता नहीं कौन सा घटिया सा लैग हो जाता है, आई डोंट नो। टॉप चैट 0 लोग देख रहे हैं भाई, नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो प्लेन पाथ आ चुका है भाई, ये क्या लैग हो रहा है मेरा, मतलब भाई क्या ग्लिच है ये। ओके तो अरे हाँ मैंने वो वर्ल्ड सॉरी ग्लोबल भी पे दबा दिया था, तो यहाँ पे ZF के साइनाइड आ नहीं पाए बेचारे, स्लॉट 1 में अटके रह गए। तो प्लेन पाथ आ चुका है, प्लेन पाथ एक मिनट, मोवात्रा की तरफ से शुरू होते हुए जावावा की तरफ जाके एंड हो रहा है। तो यहाँ पे स्क्वाड्स मोवात्रा विहार डायनो पार्क आबे मिलनार विला तोवार वॉलोवा कैसल डॉब्रोमेस्टो गोरोका क्रिचास माउंट क्रेजनिक पोर्ट फॉस्टो जावावा पोर्ट कॉस्मोट्रोन ट्रेफ्ट जाती जैसी जगह जाती हुई दिखेंगी। कुछ कुछ स्क्वाड्स पेशकोबा और सीमेंट फैक्ट्री भी जा सकती हैं, हॉट स्प्रिंग्स और कैंट्रा भी जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए गाड़ी चाहिए। तो अभी के लिए बहुत सारी टीम्स मतलब कूद चुकी हैं सिवाय साइनाइड के, तो साइनाइड AFK है क्या, लग तो नहीं था, हाँ AFK तो नहीं है ये, मतलब खेल रहे होंगे। एस्टेक की टीम जाबावा की तरफ रोटेशन कर रही है, वहीं नालायक भी वाई आर को INF के आकाश ने पिक ऑफ कर दिया यार, इतना जल्दी विला में फाइट होते देख चुका डार्क लॉर्ड ने भाई। ओम ओके थॉमसन से फियर्स BYR को डाउन करके एलिमिनेट कर दिया, INF आकाश ने भी नालायक को डाउन करके एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे टीम 9 थोड़ा सा डोमिनेशन, गॉड्स विजर अल्फा की थोड़ा टीम थोड़ा सा डोमिनेशन दिखाती दिख चुकी है, वहीं LSK अल्फा को मतलब LSK बंदे को डाउन किया जा चुका है आदित्य टेनेट के द्वारा। तो टीम नंबर 7 भी थोड़ा सा मतलब मुश्किल में लग रही है, अभी LSK भी डाउन किया गया था। हाँ जी हाँ AMK रॉकी, ये क्या हो रहा है इधर भैया, ओहो हो हो इनको तो जाने भी नहीं दे जा रहा, ऑल चैट पे बातें कर रहे होंगे इनके साथ आई थिंक सो। वहीं PSY के बहना ने GWD के कार्नेज को डाउन कर दिया, तो शायद से जायरो गॉड की टीम ने फाइट ले लिया। जी हाँ उनके एक बंदे पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं, दैट इज कार्नेज। तो नॉट पेन के पास है M4 वेस्ट और हेलमेट नहीं है, तो इनको जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बिना वेस्ट हेलमेट के फाइट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अभी को मुक्के मार के फिनिश ऑफ किया जा चुका है यहाँ पे स्लग गो के द्वारा, वही पार्टिकल 7 की टीम शायद से गोरोका की तरफ लैंडिंग करी है। जी हाँ इनके पास है टीम जेटोसाइड की स्क्वाड। तो यहाँ पे PSY के वेनम को जायरो गॉड ने डाउन कर दिया है, तो एक बार वहीं चल देते हैं सीधे गोरोका में, जायरो गॉड को ही ज़ेनो ने डाउन करके पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है, गेम के बाहर ही कर दिया उन्होंने सीधे। अरे भाई बहुत बुरा लगा,
वहीं एडम के जेरोक्स बीटीसी को आईएनएफ के आकाश ने डाउन कर दिया यहाँ पे। अरे रोल चैट पे ना बोला करो प्लीज यार, एब्स्ट्रैक्ट के पिक्चर को एग्जाम एग्जाम के गैस लीग ने मतलब एलिमिनेट कर दिया पूरी तरीके से यार। ऑल चैट मत ऑन करो। एम वाई एम की टीम विनर की तरफ रोटेशन करी है और यहाँ पे क्लस्टर मिलनार के क्लस्टर मिलनार पे गई है टीम 22 और क्लस्टर कंपाउंड्स एम वाई एम की दूसरी स्क्वाड लूट रही है, दैट इज एम वाई एम ऑल स्टार्स। कॉबी के लिए हाइड्रा के किस लेने शॉट्स लिए हैं पी एस आई के दो बंदों पे और यहाँ पे बहुत ही प्यारी एक एमपिस्टन है उनके पास। जी हाँ एग्जाम के स्टूडेंट डाउन हो चुके हैं क्रिप्टन के द्वारा और यहाँ पे किस लेने एक बंदे को डाउन कर दिया था जाते वेनम बट ये भी एलिमिनेट हो गए। जायरोकॉट की टीम एलिमिनेट हो चुकी है 21st पोजीशन पे तो अभी के लिए कहीं और भी फाइट हो रही थी जिस तरह एग्जाम की टीम की फाइट हो रही थी। जी हाँ तुरंत चलते हैं वहीं पर एब्स्ट्रैक्ट की टीम भी है इधर और एग्जाम के शायद से एक बंदा नॉक ओके रिवाइव कर दिया गया शायद से। माइकल ने फायर दिया यहाँ पे टॉर्पीडो पे लेकिन शॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। इनके क्रिलेक्स डाउन होकर फिनिश ऑफ हो चुके हैं। मिस्टिक सेवन सैफ ने क्रिलिन ओपी को डाउन कर दिया है और वीआरएस के आयार ने केज के टेनेट को डाउन कर दिया है, फिनिश ऑफ भी कर दिया है टेनेट को बाकायदा। तो एक बार वहीं चल देते हैं टेनेट की टीम पे और रेवेंज के सूरी ओपी ने मिस्टिक के सैफ को डाउन करके एलिमिनेट कर दिया पूरी तरीके से। टीम नंबर तीन टीम्स हैं यहाँ पे एम ऑल स्टार्स एल्वेस एंड टेनेट की टीम। तो इन्होंने केज को लूज कर दिया है टेनेट की टीम ने। इनको 900 मीटर दूर जोन में जाना है, दो मिनट में जोन ट्रिगर होना स्टार्ट करेगा। वही पार्टिकल सेवन के हाउटी क्या नाम है भाई इनका ओके पार्टिकल सेवन के शाउटी को नॉक मतलब फिनिश ऑफ किया जा चुका है इनके रॉकी के द्वारा। तो यहाँ पे रेवेंज की सूर्य ओपी ने मिस्टिक के एक और बंदे को डाउन कर दिया है तो शायद से विला पे फाइट हो रही है। एक बार चलते हैं गॉड्स के बेचारे अल्फा पे। तो यहाँ पे टी एस एम एन डी टी के क्लच गॉड को भी एलिमिनेट किया जा चुका है। गैसली ने डाउन कर दिया क्रिप्टन को। तो क्रिप्टन कहाँ है भाई एक्शन की गैसली ने एब्स्ट्रैक्ट के हर्ष को भी डाउन कर दिया। तो मैं इतना फालतू की बातें कर रहा हूँ, मैं भूल गया था कि मोबाइल का साइड अप आए हैं और यहाँ पे हर्ष डाउन हो चुके हैं। एग्जाम की टीम जस्ट सामने क्वर्क के, क्वर्क पे भी मॉली और नेट्स का मतलब थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी के लिए हर्ष को रिवाइव करा जाएगा लेकिन इनके जस्ट सामने एग्जाम के बंदे पूरा प्रीफायर लिया गया। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रोन भी चलते गैस लेने डाउन कर दिया क्वर्क को। तो सामने हर्ष हैं और वैनिक्स ओपी हैं जो कि भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे वैनिक्स ओपी को डाउन किया जा चुका है लेकिन गैसली को डाउन किया कर दिया गया। गैसली को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जा चुका है भाई, बहुत ही बुरा लगा फॉर एग्जाम गैसली लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, मतलब उन्होंने अपना एक किल सिक्योर कर लिया बेचारे वो मर गए। और रॉजर और इनकी टीममेट माइकल जिंदा बचे हुए हैं अभी के लिए। पार्टिकल सेवन की टीम भी फाइट डाउन ले रही है। शाउटी पार्टिकल सेवन के एलिमिनेट हो चुके हैं टीम जेनोसाइड के रॉकी के द्वारा। तो रॉकी के अभी के लिए बूस्टर्स नाम की चीज़ नहीं है, उनको मतलब यूज़ ले लेना चाहिए या फिर लूट थोड़ी कर लेनी चाहिए। एक दो की वॉचिंग है यार, हाय बाय लिख दिया करो भाई, थोड़ा मतलब कुछ कमेंट कर दो यार, अच्छा लगता है बॉइस। तो अभी के लिए रॉकी के पास है माइक्रोजी और मतलब ये थोड़ा सा हाइट के डिसएडवांटेज पे है, मतलब थोड़ा सा लोअर ग्राउंड पे है, इनको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। पार्टिकल सेवन की टीम ने हायर ग्राउंड होल्ड कर रखा है। वहीं आई पी मैन और जियोस भी हैं उधर। तो हम चार्जर वगैरह डिस्कनेक्ट कर देते हैं यार, सवाल तुम्हें क्या होगा। वहीं टीम 20 की भी फाइट डाउन हो रही है, मिस्टिक के दो बंदे मर चुके हैं। क्रिप्टन ने रॉजर को भी डाउन कर दिया यहाँ पे। तो मुआत्रा में फिर से फाइट डाउन हो रही है, नूब के क्रिप्टन ने एक बंदे को डाउन कर दिया और शायद से अब एग्जाम की टीम पर रशियन होगा। रॉजर को जल्दी ही रिवाइव कर देना चाहिए माइकल के द्वारा। माइकल आ तो चुके हैं रिवाइव करने, उनके पीछे से पूरी नूब की टीम आ जाएगी। क्रिप्टन है, टॉर्पीडो है, फाइजर भी है, तो तीनों बंदे शायद से रशिन कर रहे हैं। वहीं डोप को डाउन किया जा चुका है सेवन सीज के इवोक के द्वारा और क्रिप्टन से एलिमिनेट भी कर दिया है। और माइकल ने शायद से एक बंदे को ओके नहीं कर पाया अभी के लिए डाउन, लेकिन तीनों बंदे रश करेंगे। माइकल डाउन नहीं कर पाए टॉर्पीडो को और नूब टीम ने एलिमिनेट कर दिया एक्सएम की टीम यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारा प्रदर्शन भाई। फ्लेयर ड्रॉप मंगाया गया है भाई, एम के 49K3 एंड लेवल 3 के साथ मेडकिट है इधर यहाँ पे। और सेवन सीज की टीम फाइट थोड़ा फंस चुकी है, इवोक भी डाउन हो चुके हैं, डकी बचे हैं अपनी टीम के लिए बस। और गाड़ी बस्ट के चलते दोनों बंदे मर गए, लेक्सटम की टीम ने किल चुरा लिया है, बोबडोप ने किल चुरा लिया है। ऑल चैट ऑन हो चुका है भाई,
प्लीज मत करा करो ऑल चैट तो को और क्या करें ऑल मतलब ऑल चैट मतलब वॉइस चैट को ऑल मत किया करो यार ऑल चैट को और क्या बात कर रहा हूं मैं भाई। बॉब डॉप के सामने लकी है और बॉब डॉप ने डकी को भी पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। बैड नेट को ईटीएस के मेरी फेज ने डाउन कर दिया यहाँ पे तो एक बार वहाँ भी चल देते हैं यार 14th pin। जी हाँ आदित्य के टेनेट ने एलवेस की स्नाइप को डाउन कर दिया। एटलेस को डाउन किया जा चुका है। आईपीएम के द्वारा टेनेट डाउन हो चुके हैं। एलवेस के फिनिक्स के द्वारा बैड नेट को एलिमिनेट किया जा चुका है ईटीएस की टीम के बंदे के द्वारा मतलब फैज के द्वारा। तो एक बार विला पे चल लेते हैं। विला पे भी फाइट होती हुई दिख रही है मेरे को। जी हाँ नेक्स्टम की टीम और टीम नाइन गॉड्स मेजर अल्फा की टीम फाइट ले रही है। मेजर अल्फा को MK14 मिल चुके हैं। ओमेगा को नॉक डाउन कर दिया जा चुका है डार्क लॉर्ड के द्वारा। वहीं बॉब डॉप ने डार्क लॉर्ड को ट्रेड में डाउन कर दिया। एलवेस की टीम शायद से एलिमिनेट हो चुकी है। जी हाँ टेनेट की टीम के द्वारा एलिमिनेट हो चुकी है। मेजर अल्फा अभी के लिए डार्क लॉर्ड को रिवाइव करेंगे और पूरी नेक्स्टम की टीम अभी के लिए चार्जिंग करेगी इनके कंपाउंड पे मतलब किल विल सिक्योर करने के लिए। और बॉब डॉप ने तो गाड़ी भी स्लैमन कर दिया। वहीं एटलस को टीम जेनोसाइड की रीडी के द्वारा पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा चुका है। तो एक बार बॉब डॉप पे चल देते हैं। अरे हम यहाँ कैसे आ गए। बोडो अभी के लिए तो रिवाइव कर रहे हैं और अब भाई थोड़ा सा ड्रोनी पे चलते हैं। यहाँ पे डार्क लॉर्ड ने फर्स्ट एड पॉप इन करी है। मॉली आया है जस्ट बगल में इनके और नेड भी आया और भाग रहे हैं अभी के लिए ओमेगा। ओमेगा फर्स्ट एड पॉप इन करेंगे और भाई छोटी सी विंडो से सब फेंका जा रहा है और एक स्मोक भी कर दिया गया है यहाँ से। ओमेगा ने मेडकिट पॉप इन कर लिया है तो मिस्टेक आर्गन को रेवन सूर्य ओपी ने डाउन कर दिया है। वहीं जेनी ओपी को भी स्प्रे गया है आकाश के द्वारा। मिस्टिक की टीम शायद एलिमिनेट हो गई है। जी हाँ रेवन की टीम के द्वारा मिस्टिक की टीम एलिमिनेट हो चुकी है। वहीं ओमेगा ने डाउन कर दिया मेजर अल्फा को और ओमेगा ने डार्क लॉर्ड को भी डाउन कर दिया। वहीं शायद से पूरी जी हाँ ये मैंने क्या देख लिया। ओके तो ये मैंने कुछ नहीं देख लिया मतलब गॉड्स मेजर अल्फा की टीम पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है यहाँ पे। तो MKZeos ने पार्टिकल 7 की टीम के साथ फाइट डाउन ले दी है। एक बार चल देते हैं वहीं पर सीधे। एम की टीम मतलब टीम जेनोसाइड की टीम भी बहुत ही ओपी खेलती हुई यहाँ पे दिख रही है। मासिक बच्चे के लिए अपनी टीम के लिए इनके पास हेलमेट वैसे नहीं है और ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो टीम नंबर 10 पार्टिकल 7 की टीम भी एलिमिनेट हो चुकी है यहाँ पे। तो एक बार चल देते टीम 16 ने भी थर्ड पार्टी कर देते लेक्सटम की टीम पर। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक दो बंदे नॉक हो चुके हैं ओमेगा वो तो उन्होंने रशिन कर दिया। वहीं टॉर्पिडो फायर दे रहे जेनी ओपी पे और न्यू फाइजर को ओमेगा के द्वारा नॉकआउट किया जा चुका है। गमला बॉय को शायद से डाउन कर देंगे। जी नहीं कर तो नहीं पाए। क्रिप्टन भी लो हो चुके हैं रिवाइव करना पड़ेगा। पीछे से भी शॉट्स पीछे से थर्ड पार्टी हो चुकी है यहाँ पे। लिक्विड ओपी ने फाइजर का किल तो चुरा लिया है। अभी के लिए बॉब डॉप पे चलते हैं। बॉब डॉप के पास है माइक्रोजी और भाई लिक्विड ओपी क्या ही थर्ड पार्टी करे। टॉर्पीडो को भी डाउन कर चुके हैं यहाँ पे। टॉर्पीडो ऑफ गार्ड पकड़े गए थे। टॉर्पीडो को प्रत्येक से एलिमिनेट कर देंगे। भाई क्रिप्टन भी एलिमिनेट हो चुके हैं लेक्सटम के स्क्वाड के द्वारा। तो बहुत ही प्यारा प्रदर्शन यहाँ पे मतलब लेक्सटम की टीम का। टीम 17 ने भी थर्ड पार्टी किया था। एक ही बंदे थे नेक्स्ट लिक्विड ओपी अपनी टीम के लिए लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ही प्यारी तरीके से कर रहे हैं। मतलब फोर्थ पार्टी होती हुई दिखी थी यहाँ पे। अभी के लिए तो जोन सेकंड फेज ड्रिंकिंग हो रहा है। 10 मिनट का खेल हो चुका है। आई जी के JHTF को MM क्लोक ने डाउन कर दिया तो टीम 2 भी फाइट डाउन लेती हुई। एक मिनट क्लोक पे ही चल देते हैं हम डायरेक्ट। तो ये लोग पॉड वॉस्टो में है और इनके साथ टीम नंबर 9 ओके टीम 13 एस्टेक की टीम फाइट डाउन ले रही है यहाँ पे। तो जिनके जस्ट पीछे मेरे को शायद से गॉड्स रेन की टीम दिख रही है। जी हाँ टीम 13 अभी के लिए सैंडविच सिचुएशन में है। एस्टेक के निंजा स्पॉटेड है लेकिन जैसे दक्ष प्रे डाउन करने चाह रहे थे वैसे ही वो मतलब थोड़े कवर में चले गए नहीं तो उनका पत्ता कट सकता था। और अभी के लिए टीम 13 इज इन अ सैंडविच सिचुएशन बाय गॉड्स रेन एंड MYM। तो अभी के लिए जोन इन पे ही कटा है मतलब हर जगह से बराबर जोन कटा है। 5वें एयर ड्रॉप पे चल देते। फ्लेयर ड्रॉप है ये भी ऑम है विद ऑगे 3 एंड लेवल 3 किट्स। तो टीम 8 भी आसपास ही दिख रही है मेरे को PSY की टीम। जी हाँ टीम जेनोसाइड की रीडी को डाउन कर दिया जा चुका है जेनो के द्वारा। तो यहाँ पे PSY की टीम बहुत ही अग्रेसिव गेम प्ले दिखाती हुई दिख रही है। वहीं MKIP मैन थोड़ा सा मतलब फ्लैंक करके आए। IP मैन को भी स्पॉट इन कर दिया जा चुका है वेनम के द्वारा। तो वेनम अब शायद से रश करेंगे। जी हाँ आईपी मैन पे अब रश ओरिजिनेट हो रहा है इनिशिएट हो रहा है। आई मीन वेनम बहुत ही प्यारा इनका रिफ्लेक्सेस देखने को मिले। वेनम लो है इनको हील कर देना चाहिए अभी के लिए। खुद को स्मोक्स कर रहे हैं उनका आईपी मैन का एंगल अभी के लिए ब्लॉक करते हुए ताकि आईपी मैन आके इनको मार ना दे। और वही रॉकी स्प्रे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं वेनम पे। थोड़े से हाई मतलब ड्रोन व्यू पे चलते हैं। अभी के लिए आईपी मैन ने फॉल बैक ले लिया। उन्हें पता है कि उधर उनके लिए बुरे हालात हो सकते हैं। गाइज अगर कास्टिंग वास्टिंग पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट अवेंट भी कर देना अगर कास्टिंग अच्छी लग रही हो तो। अभी के लिए
यहाँ पे एम के रॉकी को डाउन किया जा चुका है वेनम के M24 के हेडशॉट से, और गॉड्स की टीम, गॉड्स इन की टीम ने भी एस्टेक टीम पे थर्ड पार्टी कर दिया है यहाँ पे। तो एस्टेक की टीम पे एक बार चल देते हैं, स्पाइडी डाउन पर है यहाँ पे, एस्टेक की टीम पे हो चुका है गॉड्स इन के द्वारा रश, एस्टेक स्पाइडी को पूरी तरह से इको ने फिनिश ऑफ कर दिया है। तो लिक्विड ओपी भी एलिमिनेट हो चुके हैं, बोबडो को द्वारा है किल्सम स्पॉटेड है, किल्सम ने एक बंदे को शायद से नॉक कर देंगे, जी हाँ सक्षम को नॉक कर चुके हैं, बहुत ही लो है, लेकिन किल्सम को भी डाउन किया जा चुका है। तो बस निंजा बचे अपनी टीम के लिए, इनके आईजी ओके इनके चेस्ट या फिनिश ऑफ हो चुके हैं, तो निंजा अभी के लिए फर्स्ट एड पॉपिंग करेंगे, MYM भी थर्ड पार्टी करते हुए, रॉकी फिर से डाउन हो चुके हैं वेनम के द्वारा। तो गाइस कौन सी फाइट पे फोकस करें, एक बार वेनम की टीम पे चल देते हैं, एक्सप्लिसिट अभी स्मोक्स कर रहे हैं, फोर्थ पर चलते हैं, अभी के लिए आईपी मैन थॉम्सन भी स्प्रे कर रहे हैं, अरे भाई क्या ग्लिच है, एम के ज्यूस को भी डाउन किया जा चुका है जेनो के द्वारा, आईपी मैन ने वेनम को डाउन कर दिया ट्रेड के रूप में, और अभी के लिए तो 1v3 का सिचुएशन है। रॉकी डाउन है शायद से, जी हाँ रॉकी भी डाउन है, इनके पास ऑम थी और आईपी मैन पे एक बार चलते हैं, भाई ईटीएस के अदनन डाउन हो चुके हैं और रॉकी ब्लीड आउट हो चुके हैं, तो आईपी मैन के पास एक के लिए वो स्पॉटेड हैं और अब रश कर रहे हैं, जेनो को डाउन कर चुके हैं और अब उसी लेके अनरियल रश कर रहे हैं, हीरो लोड कर रहे थे अभी के लिए, और स्लग ओटे ने डाउन हो चुके ईटीएस के मेरे पास के द्वारा, इको ने निंजा को डाउन कर दिया, वहीं एलिमिनेट हो चुकी है टीम जेनोसाइड की टीम 9th पोजीशन पे। तो एस्टेक की टीम पे चलते हैं यार, एक बार एस्टेक की टीम भी एलिमिनेट हो चुकी है यहाँ पे गॉड्स रेन की टीम के द्वारा, तो गॉड्स की रेन की टीम ने क्या ही थर्ड पार्टी किया, वहीं PSY के वेनम बीट आउट हो चुके हैं और ETS की टीम ने टेनेट की टीम को वाइप डाउन कर दिया है। तो टेनेट की टीम 8th पोजीशन पे एलिमिनेट होती हुई दिख रही है मेरे को, भाई जग्गा ओपी आस ही पास है, जी हाँ जग्गा ओपी भी आस ही पास है, लेकिन टीम नंबर 2 पे उन्होंने फ्लेयर ड्रॉप मंगाया था, यहाँ पे ग्रोज़ और MK14 आई थी, एक और ड्रॉप आया 7वां ड्रॉप मतलब 6ठा ड्रॉप सरकारी, अदनान गिर के डाउन हो चुके हैं, इसमें ग्रोज़ा विद लेवल 3 किट्स एंड 8x स्कोप ओके, मतलब सफ़ेद गिली सूट आया, स्नो वाला गिली सूट आया यहाँ पे, बहुत ही प्यारी लूट है टीम 15 को के पल्लू में गिर रहा है, तो इनको ले ही लेना चाहिए। थर्ड फेज क्लोज इन होने वाला है, ओके थर्ड फेज मतलब थर्ड फेज बन भी चुका है, यहाँ पे बहुत सारी टीम्स जोन के अंदर ही हैं, 7 टीम्स अलाइव हैं, 25 मेंबर्स बचे हुए हैं, PSY की टीम भी रोटेट इन करेगी जल्दी से जल्दी, एक्सटर्म की टीम को भी जल्दी ही रोटेट इन करना पड़ेगा, ETS की टीम भी जोन में ही है और टीम 14 और बाकी सारी टीम जोन में ही हैं, और टीम रेवन को एक तोहफा मिला था सरकारी ड्रॉप के द्वारा, इनके पास प्लेयर नहीं थी तब भी तोहफा आ गया, तो तोहफा कबूल कर लिया इन्होंने बड़े प्यारे तरीके से। वही गॉड्स के दक्ष पे चलते हैं, इनके 3 किल्स हैं, बहुत ही ओपी खेले ये, और PSY की टीम पे चलते हैं, वो लोग रोटेशन कर रहे हैं लेकिन पैर से कर रहे हैं, तो मतलब गाड़ी इनके पास व्हीकल्स की कमी है आई थिंक सो, जी हाँ अभी के लिए टीम 23 भी रोटेट इन करती हुई, टीम 14 छोटा सा कंपाउंड होल्ड करी हुई है, गॉड्स की टीम पे एक बार फिर से चल देते हैं, वो अभी के लिए गाड़ी लेके शायद से कहीं रोटेट इन कर रहे हैं, और ठीक है ब्रो नो इश्यूज, अभी के लिए कोई टीम फाइट नहीं लेना चाहती, और टी एक्सटर्म की टीम भी रोटेटिंग करती हुई विला के साइड से, PSY के अनरियल को गाड़ी मिल चुकी है और एक और बंदे को गाड़ी मिल चुकी है, तो वो भी रोटेटिंग करेंगे शायद से, माउंट क्रेस देखो होल्ड करें क्योंकि वो अभी के लिए फ्री है, और गॉड्स के इको अब शायद से सोचेंगे कि टीम MYM से फाइट ले लें, MYM की टीम से फाइट ले लें, MYM की टीम के प्रेजेंटली 0 गर्ल्स हैं लेकिन जल्द ही बढ़ सकते हैं, तो देखना पड़ेगा, क्लोक स्पॉटेड है, क्लोक पे स्प्रे करा जाएगा लेकिन क्लोक ने इंस्टेंटली प्रोन डाउन कर दिया, तो वो अभी के लिए बच चुके हैं, क्लोक को पता चल चुका है कि उधर सामने एक फुल स्क्वाड है, तो मतलब उनको M4 के स्प्रे से बता दिया गया कि एक सामने स्क्वाड है भैया संभल के रहना, और उनको भी पता ही चल गया। तो गॉड्स की टीम भी फायर मतलब कर रही है रेगुलरली, और बिलीफ को लो कर दिया है, अभी बिलीफ को भी हील करना पड़ेगा, और दक्ष शायद से स्पॉटेड है, जी हाँ, और ओम चल रही है शायद से सक्षम के द्वारा, मेरे को चेक करना पड़ेगा, और यहाँ से MK14 चला रहे हैं MYM के बंदे, सक्षम के पास ओम है, जी हाँ, और बिलीफ को हेड पाते बिलीफ को डाउन कर दिया इन्होंने, बहुत ही प्यारा ओम का हेड शॉट चिपका दिया है बिलीफ को, बिलीफ को जल्दी ही रिवाइव करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है गॉड्स रेन की टीम रश इन कर दे, अभी के लिए कुछ आइडिया नहीं है, कर भी सकती लेकिन अभी के लिए सोच रहे कि होल्ड करें क्योंकि वो लोग थोड़ी दूरी पे हैं और इनके पास मतलब थोड़ा टाइम लगेगा,
वो जब तक ही रिवील कर लेंगे बिलीव अभी, तो अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं। इमॉर्टल को बहुत ही मतलब शॉट देने की कोशिश करी, लेकिन इमॉर्टल भी टाइमिंग से बच गए और सक्षम फिर से शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इमॉर्टल स्पॉटेड है वंस अगेन। इमॉर्टल जैसे ही हल्का सा पीक लेंगे उनको करा जाएगा नॉक, लेकिन इमॉर्टल अभी के लिए प्रोन डाउन हो चुके हैं, तो अभी के लिए नॉक नहीं मतलब हो पाएंगे। ट्रिगर सेवन दूसरी तरफ है ब्रिज के, मतलब दूसरी तरफ है रोड के, वहीं शायद से एक दो ड्रॉप और गिरे। ओके ट्रिगर सेवन ने गॉड्स रेन के एको को डाउन कर दिया यहाँ पे, तो अभी के लिए रेवन की टीम भी रोटेट इन करती हुई दिख रही है। फोर्थ फेज क्लोज इन होता हुआ दिख रहा है मेरे को, अभी 5-6 सेकंड में क्लोज इन हो जाएगा वहीं, फिर हो सकता है हार्ड शिफ्ट ले ले, वी कांट से एनीथिंग राइट नाउ। ओके नॉर्मल साइज शिफ्ट आई यहाँ पे, बहुत सारी टीम जोन में है सिवाय दो टीम्स के, दैट इज पी एस वाई एंड राइवल की टीम मतलब ईडीएस की टीम, और रेवन की टीम शायद से पॉडवास्ट स्लैमिंग करेगी आई थिंक सो, क्योंकि उनका रोटेशन इधर ही की तरफ आ रहा है। MYM ओके टीम ओके MYM के दो बंदे इनके पास आ चुके हैं, गॉड्स उनके पास वही टीम 15 थोड़ा सा हाई ग्राउंड होल्ड करने की ट्राई करी है। एक बार चलते हैं टीम 15 की क्या स्ट्रैटेजी है। जी हाँ वो अभी के लिए हाई ग्राउंड मतलब इन पत्थरों पे चढ़ने की ट्राई करेंगे, मतलब हाई ग्राउंड इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन अचीव इन पबजी मोबाइल। तो 8वां एयर ड्रॉप आ रहा है भाई, ये तो टीममेट के लिए मतलब तो मतलब क्या बोलते तोहफा टाइप का हो गया। ऑम है, लेवल 3 किट्स हैं, तो आपको अगर आपके थोड़े से भी गियर्स डैमेज हो चुके तो यार ले लो लेवल 3 किट्स है। वही रेवन के दिव्यजय को मतलब रेवन के विजय को बोप डोप ने डाउन कर दिया यहाँ पे, बोप डोप लेक्सटप की टीम भी फाइट में आती हुई दिख रही है मेरे को। अरे क्या ही तगड़ा लैग किया मेरा। तो यहाँ BRDM है लेक्सटम की टीम के पास विच इज़ क्वाइट ओपी, तो जेनी ओपी ने रेवन के सूर्य ओपी को भी डाउन कर दिया, तो अभी के लिए लेक्सटम रशिन करेगी रेवन की टीम के ऊपर, तो रेवन की टीम के थोड़े हालात मुश्किल लग रहे हैं। अभी हम तुरंत ही ड्रोन व्यू में चले गए, ड्रोन व्यू में आ चुके हैं अभी के लिए। ओमेगा बहुत ही लो है और यहाँ पे रशिन कर दिया, बोप डोप डाउन हो चुके हैं भाई। गामला बॉय ने रेवन के लेमी को डाउन कर दिया, बोप डोप पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पे, तो अभी के लिए सब उजी सबके पास उजी है और रेवन के दो बंदे नॉक हैं और पीछे से जेनी ओपी कवर दे रहे हैं अभी अपनी टीम को। और गमला बॉय भी लो है, गमला बॉय पे स्प्रे आने की कोशिश कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी पर जेनी ओपी ने कवर दे दिया भाई। गॉड्स के रेन के सक्षम को क्लोक डाउन कर दिया। ओमेगा अभी के लिए आ चुके हैं रशिंग करने और ओमेगा के पास है AKM आई गेस, एक मिनट उधर भी चल सकते हैं लेकिन नहीं छोड़िए। रेवन की टीम और ओमेगा ने ड्रॉप शॉट ले लिया, बहुत ही बड़ा ड्रॉप शॉट लेकिन अभी के लिए बच गए और पूरी टीम नंबर रेवन पर रश इन किया गया और टीम रेवन हो चुकी है एलिमिनेट। लेक्सटम्प क्या ही प्रदर्शन कर रही है, 12 किल्स निकाल चुकी है अपने लिए ये टीम, मतलब कतई जहर प्रदर्शन, मतलब ओपी इन द चैट यार लेक्सटम्प की टीम ओपी इन द चैट। वहीं क्लोक ने गॉड्स के बंदे को पूरी तरह से फिनिश ऑफ कर दिया, इमॉर्टल ने डाउन कर दिया दक्ष को यार। जल्दी से चलते हैं, दक्ष डाउन है और ओके ड्रिगर सेवन को सक्षम ने डाउन कर दिया शायद से गॉड्स रेन की टीम। ओके सक्षम बचे हुए हैं बस अपनी टीम के लिए और MYM की एक बार टीम पर चलते, तीन बंदे नॉक है और यहाँ पे सक्षम ने क्लच कर दिया है बहुत ही ओपी तरीके से। टीम नंबर मतलब टीम MYM MYM की टीम को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। जोन ने हार्ड शिफ्ट नहीं लिया है, मतलब हार्ड शिफ्ट ही लिया है अभी के लिए और लेक्सटम के ओमेगा ने डाउन कर दिया गणेश को और दो चढ़ गए भाई 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 मत बोलो। ओमेगा क्या ही खेल रहे हैं यार, राइवल स्मोकर नूक को भी डाउन कर चुके हैं, अदनान को बहुत ही लो कर दिया है। अदनान पे अभी के लिए प्री फायर देके घुसना चाहेंगे बहुत ही लो है। गमला बॉय को अभी के लिए शायद से रिवाइव कर दें, उनकी प्रायोरिटी रिवाइव करने की होगी और हल्का सा ऊपर और चलते हैं। अरे उसने स्लॉट ले रखा होगा ना ए ब्रो, तो उसका मन नहीं है ना खेलने का इसलिए पूछ रहा है भाई। ऑल चैट मत बोला करो, ETS की टीम के दोनों बंदे ऊपर आ चुके हैं रिवाइव लेने के लिए और एक और स्मोक कर दूं भाई, सब एक ही पैनिक रूम में आ रहे हैं रिवाइव लेने के लिए ले रखा है। और यहाँ पे अब रश कर रही है ओमेगा की टीम और एक बंदे ने फ्लेयर चलाई है मेरे को पता नहीं, और यहाँ पे पूरी रश कर दिया, अदनान को कर दिया जा चुका ओमेगा के द्वारा नॉक और यहाँ पे ओमेगा ने वाइप डाउन कर दिया बहुत ही प्यारे तरीके से ETS की टीम को। ओमेगा भाई लेक्सटम्प एक के बाद एक किल्स कर दी जा रही है, ओमेगा के 10 किल्स है अपने खुद के भाई। हंसो मत प्लीज़ भाई, ऑल चैट का माइक ऑफ कर दो यार, कुछ हो नहीं जाएगा आपको, दौरे वौरे नहीं पड़ेंगे मतलब स्ट्रीम व्रीम देख रहा है बुरा मत माना लेकिन भाई ऑफ कर दो, अच्छा नहीं होता।
यहाँ पे ना 11वां ड्रॉप गिर रहा है, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा। और इसमें ऑम है, लेवल 3 किट्स है, एड्रेनलिन सिरिंज भी है, चीक पैड्स भी हैं, तो सही है यार, ड्रॉप ले लो आराम से, मज़े करिए ड्रॉप लेके। अभी के लिए कोई नहीं देख रहा लाइव स्ट्रीम भाई, ऐसा क्यों गाइस यार, लाइक वाइक कर दिया करो, कोई देखता ही पर नहीं, हंसो नहीं प्लीज़ ब्रो। वो नहीं भूलेंगे वो जो पोरस में किया था तूने। एक और 12वां एयर ड्रॉप आ रहा है, दैट इज फ्लेयर ड्रॉप, उसमें देखते हैं MK14। ओके 3 लेवल 3 किट्स, पेन किलर है और टैक्टिकल स्टॉक है M4 का, तो गॉड्स के सक्षम ने मंगाया है अपने लिए फ्लेयर ड्रॉप, तो BRDM भी मंगा सकते थे बहुत ही काम, क्योंकि इनके पास है BRDM ऑलरेडी, तो इन्होंने फ्लेयर ड्रॉप मंगा लिया है। जल्दी से लूट के थोड़ा जोन में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि जोन ने कतई तो हाथ साले से ले नूब लिया है अच्छा पहले वहां पे था वो स्टेयर्स के पास, बाहर भाई। गया मेरी लॉबी में गया पिटने। अरे अरे भाई मत बोलो प्लीज, मैं PSY की पहले से टीम लेटा हुआ था वहां पे, वही आया गमला बॉय को चले डाउन मेरे किया को जा पैर चुका है आगे एक्सप्लिसिट के द्वारा, तो गमला रिलीव बॉय चल अभी लेंगे फिनिश ऑफ शॉप हो में। जाएंगे। जी हाँ गमला बॉय ऑफ कॉर्ड पकड़े गए थे, तो बस ओमेगा बचे हैं लेक्सटम की टीम के लिए, लेक्सटम का मूड से संभाले। और अभी के इनके जस्ट सामने PSY की टीम है बीआरडी निकलने दे साले से भाई, मत बोलो प्लीज। ओमेगा अभी के लिए फुल बूस्ट कर रहे हैं खुद को, सक्षम आ रहे शायद से कंपाउंड पकड़ने, और 1v1 का फाइट देखने को मिल सकता है हमें सक्षम और ओमेगा का। सीट सक्षम चेंज ने करके बैठ जा, सीट चेंज करके बैठ जा, वही किया है सक्षम ने, गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे जाती हुई यहाँ पे यार। भाई PSY के बंदों ने डायरेक्टली स्लैम इन कर दिया यहाँ पे लेक्सटम की टीम के बंदों के ऊपर, तो यहाँ पे तो ओमेगा के फिर लिए से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कराएगा 10 किल्स है ओमेगा के, लेकिन किल्स अभी वही मैटर नहीं करते, अभी मैटर बोल रहा करते हूँ से पोजीशन। कराएगा। और यहाँ पे मॉली कर दी गई है, और यहाँ पे बहुत ही पहले नेट से एक्सप्लिसिट के द्वारा अरे ओमेगा भाई ऑफ कहीं फिनिश ऑफ हो चुके हैं, पड़ा ले बाहर निकल तो जाएगी 1v2v3 का सिचुएशन है फिलहाल के लिए। चलते हैं हम लोग टीम नंबर 14 के ऊपर, एक बार चलते हैं उनका क्या सिचुएशन है। अच्छे पोजीशन पॉइंट्स निकाले उन्होंने MYM की टीम ने, MYM ऑल स्टार्स की टीम ने, टीम VRS के अयान राइट अभी में गया तक मतलब जगह के साथ बंदा, जिंदा। ओके अरे गॉड्स करें इनको शायद से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आई थिंक सो, गॉड्स के सक्षम को, आई मीन मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मैं पागल हो गया, सॉरी गाइस। BRDM में बैठा रहा मैं तो बोलता, चेक कर ले कौन बंदा कहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे जेनो को स्पॉट इन कर चुके हैं, हेडशॉट कनेक्ट करना वो देख लिया चाहेंगे उसने, वो भाग गया वो भाई भाई अलग अलग ही तफरी काट भाई 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 सब कुछ क्या बोले मतलब तो बंदा क्या ही सोच रहा होगा और एक्सप्लिसिट को डाउन कर चुके सक्षम ने बहुत ही ओपी हेडशॉट सक्षम के द्वारा, वेरी नाइस है ब्रो, मतलब क्या ही दिया हेडशॉट। और यहाँ पे ऊपर भी एक बंदा है ब्रो छत पे चढ़ा हुआ है, और यहाँ पे जेनो ने डाउन कर दिया है सक्षम को, और 3v2 का सिचुएशन है अभी के लिए PSY टीम के लिए। तो यहाँ पे पिंग तो यार थोड़ा हाई है, तो मतलब कोई बात नहीं यार, मतलब उतना हाई नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। टीममेट पे एक बार चल रहे थे उनके 8-11 किल्स हैं, तो ये भी अरे भाई बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए। टीम 14 के पास जोन कटा है, तो अब टीममेट को थोड़ा सा मूवमेंट देना ही पड़ेगा, नहीं तो टीममेट के लिए काम लग सकता है। इनको जल्दी ही मतलब गेम पे डिपेंड करता है कैसा रोटेशन देंगे, क्योंकि मतलब एक और टीम ही बची जिसके 2 मेंबर जिंदा हैं, और उनका भी पता है PSY की टीम को भी पता है कि 2 ही मेंबर जिंदा है भाई। जेनो को स्पॉट कर लिया जा चुका है, अयान के द्वारा जेनो पे स्प्रे डाउन किया गया था, जेनो के पास है BRDM। ओके वो BRDM लेने आए थे सक्षम की, तो अब BRDM लेके वो चौड़ में घूमेंगे एकदम, कोई टेंशन नहीं उनको, कोई फिक्र नहीं है, सबको बैठा लेंगे, कहेंगे भाई सब आ जाओ, हम ही हैं राजा, हम ही हैं ब्रह्म, मतलब हमारा दोस्त बोलता था भाई। BRDM पे शॉट किए जा रहे हैं जेनो के BRDM पे अयान के द्वारा, और अभी के लिए अनरियल कवर देते हुए, और अनरियल भी बहुत ही प्यारा कवर दे रहे हैं, हिलने नहीं दे रहे, टैग पिन करके रखे हैं। और PSY की टीम आ चुकी है भाई, स्मोक नहीं नेड कर चुके, चलो इनकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, मैं मतलब मेरे हिसाब से नेड करना चाहिए था इन्हें। अब यहाँ पे
जग्गा पे चले जाते हैं, जग्गा के पास M762 उनको स्प्रे किया गया है उनके ऊपर। और भाई ओके नो, थोड़ा सा ड्रोन व्यू पे चलते हैं भाई। 2v2 का सिचुएशन है, पीछे से स्लैमिंग करेंगे अनरियल यहाँ पे। जग्गा ओपी के लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल सिचुएशन नहीं कह सकते। जेनो ने कर दिया अयान को लो यहाँ पे, अयान को जल्दी से फर्स्ट पॉपिंग करनी पड़ेगी। अयान नॉक हो चुके हैं यहाँ पे, जग्गा बचे हैं पीटी के लिए। जग्गा क्या कर पाएंगे, वन विक्ट्री का क्लच ये तो देखना ही पड़ेगा अभी के लिए। जग्गा पे ही नजरें बनी रहेंगी, जग्गा पे पूरी तीनों बंदे चढ़ेंगे। और यहाँ पे जग्गा ने डाउन कर दिया जेनो को, जग्गा को हील वील कर लेना चाहिए, लेकिन जग्गा ने ड्रॉप शॉट लिया लेकिन हो गए एलिमिनेट, तो अनफॉर्चुनेट फॉर जग्गा। लेकिन यार मैन एडवांटेज था PSY की टीम के ऊपर, और अयान पहले ही नॉक हो गए तो इजी पीसी चिकन, मतलब इजी पीसी लेमन स्क्वीजी चिकन डिनर लग रहा था PSY की टीम के लिए। इनकी टीम के हैं टोटल में 13 किल्स, MYM की टीम के 1 किल, गॉड्स रेन की टीम के 8 किल्स हैं, लेक्सटॉप की टीम के हैं 16 किल्स। क्या ही खेले यार ओमेगा ब्रो, हैट्स ऑफ टू यू। ETS की टीम के हैं 5 किल्स, MYM की टीम के 3 किल्स हैं, रेमिंग की टीम के 5 किल्स हैं, टेनेट की टीम के 3 किल्स हैं, एस्टेक की टीम के 0 किल्स हैं, टीम जेनोसाइड की टीम के 5 किल्स हैं, NXT लिक्विड ओपी के 2 किल्स हैं, न्यूट टॉर्पीडो के 3 किल्स हैं, पार्टिकल्स हैं उनके भी 0 मतलब 0 किल्स हैं, और गॉड्स मिस्टर अल्फा की टीम के 4 किल्स हैं, मिस्टिक की टीम के 0 किल्स हैं, एलवेस की टीम के भी 0 किल्स हैं, 7 सीज की टीम के 1 किल है, एक्जम की टीम के 4 किल्स, गैसली के 3 थे, एब्स्ट्रैक्ट की टीम के 1 किल है, BYR की टीम के 0 किल्स हैं, और जायरो गॉड की टीम के भी 0 किल्स हैं, और साइनेट के भी 0 किल्स हैं। तो अभी के लिए गाइस हम स्ट्रीम एंड करेंगे। गाइस लेट हो गया है, मतलब लेट क्या हुआ है, अब गाइस हम कल ही मिलते हैं, कल भी करेंगे Tier 1 और Tier 3 के स्क्रिम्स को लाइव। तब तक के लिए हम चलते हैं, गुड बाय, सी यू टाटा, सी यू टुमारो।